हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेला फैशन वर्ल्ड। आज का व्लॉग जो है वो है दिल्ली का कुतुब मीनार। आइडियली ये मेरा पहला व्लॉग था, बट एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए थोड़ा सा लेट ये व्लॉग को मैं एडिट कर रही हूँ। एंड ये बहुत ही प्यारा मीनार है। दिल्ली आए और आपने कुतुब मीनार नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी हम जा रहे थे कुतुब मीनार, कैब से गए, आप मेट्रो से भी जा सकते हैं। मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार करके, तो काफ़ी नज़दीक है वहाँ से कुतुब मीनार से। ये जो कुतुब मीनार है वो बहुत ही सुंदर है, मतलब आप बोल सकते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा एक मीनार है, जो कि मुगलों के काल से ये यहाँ पे है। एंड ये जो है बहुत ही, मतलब उसके ऊपर जो काम किया है वो वास्तुकला बहुत प्राचीन है। ये देखिए, ये पूरा जो परिसर है, जो भी उसका एरिया है, वो भी बहुत वेल मेंटेन है एंड बहुत ही प्यारा है। बड़े बड़े गार्डन हैं वहाँ पे, एंड साइड में आपको अलग अलग पार्ट्स दिखेंगे। मस्जिद भी है, देन दो तीन दरवाजे भी इसके साथ हैं। ये नियर बाई क्लोज व्यू है, आप देखेंगे। ये देखो कितना सुंदर वर्क ये जो है किया हुआ है। आपको पूरे जो ये कुतुब मीनार का जो भी एरिया है वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ये नक्शीकाम जो है वो मिलते हैं। एंड ये देखिए, ये घूमट जो है वो बहुत ही प्यारा है। एंड पूरा एरिया जो है वो बहुत सुंदर है, मतलब एक पूरा दिन आप यहाँ पे बिता सकते हैं, इतना अच्छा है ये गार्डन एंड लुक भी। फ़ोटो खींचने के लिए भी बहुत सी जगह है यहाँ पे। हम जस्ट लॉकडाउन ख़त्म हुआ, पहला लॉकडाउन, उसके बाद 3-4 महीने बाद गए थे, तो काफ़ी भीड़ थी, बट लोग आए हुए थे। हम लोग भी वही सोच के गए, क्योंकि घर में बैठ के सारे लोग बोर हो गए थे, तो चलो फर्स्ट हम दिल्ली में क्या देखते हैं, तो कुतुब मीनार ये देखिए। सारे जगह पे आपको बहुत ही सुंदर वर्क मिलेगा, काम बहुत ही प्यारा है ये पूरे कुतुब मीनार का। एंड मतलब ये जो है वो एकदम से उस इरा में, उस ज़माने में हमको ले जाते हैं कि कितना अद्भुत काम ये लोग करते हैं, इतनी सुंदर कारीगरी जो है वो करते हैं। ये देखिए, हमने बहुत सारे फोटोज़ भी खींचे। ये जो कुतुब मीनार है उसकी लंबाई है 72.5 मीटर। बड़ा गार्डन आपको दिखेगा, सारे गार्डन बहुत अच्छे हैं, ऑब्वियसली फोटोज़ बहुत ही प्यारे आते हैं। यहाँ पे मस्जिद है बड़ी, बट बोलते हैं कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के ये मस्जिद बनाया गया है। यहाँ पे एक स्तंभ भी है, विष्णु स्तंभ कह के उसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे ये पर्टिकुलर जगह पे आपको जो हिंदू टाइप की जो वास्तुकला है वो भी यहाँ पे दिखेगी। ऐसा नहीं है कि ओनली मुगलक या फिर या तुर्की टाइप में जो वास्तुकला है वो दिखेगी, ऐसा नहीं है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर, मतलब आप एक भी पॉइंट ऐसा नहीं देखेंगे कि वहाँ पे आपको फ़ोटो नहीं खींच सकते। एंड इसके एग्जैक्ट सामने जो है गार्डन है बड़ा सा, मेंटेन काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है उन्होंने। एंड वहाँ पे ये देखिए, ये दरवाज़े हैं, उस ज़माने के इतने बड़े बड़े दरवाजे थे। एंड उसके ऊपर भी जो है वो लिखा हुआ है, पूरे जो कुछ कुछ जगह है वहाँ पे लिखा हुआ है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। ये देखो बहुत ही, मतलब इतना सुंदर जगह है, आप घूमते घूमते बिल्कुल नहीं थकेंगे। एंड एक से बढ़कर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। हमने तो बहुत ही एंजॉय किया था यहाँ पे, एंड साथ ही साथ ऑब्वियसली बहुत सारे फ़ोटो खींचे थे, जो मेरा फेवरेट टाइम पास रहता है, क्योंकि मेमोरीज कलेक्ट करना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। हम वापस कोई भी जगह पे नहीं जाते, तो जब भी हम जाए उसका पूरा उपयोग हम लोग कर लेते। ये देखिए, ये गार्डन है,
बहुत सुंदर है, बहुत मेंटेन किया हुआ है एंड पिक्स भी काफ़ी अच्छी आई थी। तब समर सीज़न इतना नहीं था और हम लोग इवनिंग में गए थे, लाइक 3:30 के आसपास हम वहाँ पे पहुँचे थे। ऑनलाइन बुकिंग भी आप इसका कर सकते हैं एंड क्यू में भी आप खड़े रह सकते थे, रह सक के टिकट ले सकते, मेरा मतलब ये है। एंड ये देखिए, फिर हम लोग गए दूसरा एक और मीनार बन रहा था, अलाई मीनार जिसको बोलते हैं। ये कुतुब मीनार से भी बड़ा था, बड़ा बनने वाला था बट बना नहीं, क्योंकि बीच में ही वो जो राजा था उनकी डेथ हो गई एंड उसके बाद उसको स्टॉप कर दिया। होप आपको ये मेरा आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड दिल्ली आए तो कुतुब मीनार ज़रूर से देखिए। थैंक यू।